और चलिए अब रुख देवभूमि की खबरों का। केदारनाथ दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बताएं केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे होने पर यहां पर केदारनाथ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सीएम धामी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की और केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिस समय सीएम धामी वहां पर पहुंचे। सीएम धामी ने आम लोगों से श्रद्धालुओं से बातचीत भी की, उनसे व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली और देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर सीएम धामी का किया गया। जनमानस के बीच में पहुंचकर वहां से लोगों के समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे होने पर यहां पर केदारनाथ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और आप देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत श्रद्धालुओं ने सीएम धामी का किया। पूरे मंत्रोच्चार के साथ यहां पर हवन पूजन किया जा रहा था जिसमें सीएम धामी ने यहां पर शामिल हुए और देखिए किस तरीके से पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही थी। सीएम धामी इस हवन पूजन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे जिस समय सीएम धामी वहां पर पहुंचे और अपने बीच सीएम धामी को मौजूद देख श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बताएं और चलिए अब आपको साथ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं सीएम धामी के केदारनाथ पहुंचने की। केदारनाथ धाम सीएम धामी पहुंचे थे, सीएम धामी का अभिवादन देखने को मिला, बाबा केदार का उन्होंने आशीर्वाद दिया, भव्य स्वागत सीएम धामी का किया गया, नंदी को यहां पर प्रणाम किया, श्रद्धालुओं से बातचीत की थी, आम जनता के बीच पहुंचे थे, श्रद्धालुओं से वहां पर जो व्यवस्था है उनको लेकर बातचीत की, हवन पूजन में शामिल हुए, पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ यहां पर हवन पूजन किया गया। केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालु ने जब सीएम धामी को अपने बीच पाया तो उनका उत्साह भी देखने लायक था। तो बाबा केदार के दर्शन के लिए आशीर्वाद के लिए यहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे, भव्य स्वागत उनका किया गया। ये भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर जब पूरा हो जाएगा तो इस स्वरूप का और ही नज़ारा होगा और भगवान बाबा केदार की कृपा से यहाँ पर एक नया नज़ारा और आने वाले समय में जो आज आस्था के इस केंद्र पर जहाँ पर एक दिन के लिए 30,000-40,000 लोगों की एक रजिस्ट्रेशन की लंबी श्रृंखला है दर्शन करने वालों के लिए, जो एक यहाँ पर बड़ी चुनौती भी है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इस स्थान के लिए रोपवे का जो शिलान्यास पिछले वर्ष उन्होंने कर दिया था, रोपवे का काम जैसे ही यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो इस यहाँ पर यात्रा करने वालों की संख्या भी और लोगों की सुविधा भी दोनों ही बढ़ जाएंगी, एक अद्भुत कार्य होगा। और चलिए देहरादून से पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। सीएम धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। पंकज, सीएम धामी कितने बजे वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने किया, क्या अभी सीएम धामी वहीं पर मौजूद हैं? अर्चा देखिए, मुख्यमंत्री का सुबह 7:30 बजे से यहाँ से रवाना वो हुए थे केदारनाथ धाम के लिए और लगभग 8:30 बजे करीब केदारनाथ धाम पहुँच गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने पहले जो तमाम वहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया था और बाबा केदार के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। क्योंकि देखिए, आज जो केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी उसके पूरे 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कि 10वीं बरसी आज केदारनाथ धाम में आपदा की है, तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ गए थे और वहाँ जाकर उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर रहते हैं उनसे मुलाकात की है, इसके साथ साथ ही जो वहाँ तीर्थयात्री हैं उनसे मुलाकात की है। क्योंकि 2013 से लेकर अब तक के पूरे इस पूरे अंतराल की बात करें, 10 साल के अंतराल की बात करें, तो इस 10 साल के अंतराल में वहाँ का एक स्वरूप पूरी तरह से बदलता जा रहा है और जो एक पुनर्निर्माण कार्य केदारनाथ में चल रहे हैं उसको लेकर पूरी स्थिति जिस तरह से बन रही है, लगातार श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं, उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने वहाँ का दौरा किया था और वहाँ पूजा अर्चना की है। और देखना ये होगा कि अब आने वाले दिनों में जो केदारनाथ धाम में कार्य चल रहे हैं उनमें कितनी गति आती है और कितने काम पूरे हो पाते हैं, क्योंकि लगातार सरकार का भी ये लक्ष्य है कि केदारनाथ धाम में पूरे काम कर दिए जाएं और जो तमाम श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधा लगातार बढ़ती जाए। और तो क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो लगभग 9 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम में दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मुख्यमंत्री ने पहले वहाँ जाकर बाबा केदार के दर्शन लिए, हमने देखा किस तरीके से जनता से भी बातचीत करते हुए नजर आए थे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। केदारनाथ यात्रा में नए पंजीकरण पर 20 जून तक रोक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं होंगे अब 20 जून तक नए पंजीकरण और ऐसे में केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। चारों धाम में अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदारनाथ में 9,30,000 से ज्यादा लोगों ने
दर्शन किया है और इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहां पर 20 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। पंकज, ऑनलाइन और ऑफलाइन 20 जून तक अब पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है, भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर। बिल्कुल अर्चा, पहले ये रोक 16 जून तक की थी दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर, लेकिन क्योंकि जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ रही है और लगातार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, इसको अब 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 जून तक अब ये रोक अब पूरी तरह से रहेगी, ना ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और ना ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने में बहुत दिक्कतें वहाँ पर प्रशासन के सामने हो रही हैं, चुनौतियाँ प्रशासन के सामने बढ़ रही हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और आगे का जो पड़ाव है सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, वहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में ये निर्णय लिया है, जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा दिए थे वो लोग बाबा केदार के दर्शन कर चुकेंगे। हर रोज की अगर बात की जाए तो 20,000 से लेकर 22,000 के हिसाब से प्रतिदिन के दर्शन के हिसाब से लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इतनी बड़ी संख्या अगर वहां पहुंचती है तो प्रशासन के सामने चुनौती बन जाती है और उसके साथ साथ ही दर्शन के लिए भी लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है और धूप भी लगातार हो रही है। मौसम इस समय साफ है, मौसम की साफ होने की वजह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, स्कूलों की छुट्टियां लगातार हैं अभी, तो इसलिए संख्या बढ़ रही है। अधिकतर श्रद्धालु जो हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए जून के महीने में आना चाहते हैं, क्योंकि ये महीना भी अच्छा होता है, यहाँ पर बरसात के साथ साथ तमाम जो दिक्कतें हैं वो नहीं श्रद्धालुओं को, जैसे जैसे लोगों के पहुँचने में जो संख्या इसमें इजाफा होता जा रहा है, उसी को देखते हुए 16 से यहाँ पर 20 तक का अब जो पंजीकरण है उस पर रोक लगा दी गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का आज से 3 दिवसीय महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये महाकुंभ भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट कर रहा है और ऐसे में महाकुंभ में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। रोड़ी बेलवाला मैदान और लालजी वाला में लाल कोठी में आयोजित होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। आपको बताएं, हर साल आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में किसानों की रणनीति पर चर्चा होने वाली है, तो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की अध्यक्षता में यहां पर वो शामिल होंगे और ऐसे में बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंच रहे हैं, इस पूरे आयोजन में शामिल होंगे। लालजी वाला में लाल कोठी में ये आयोजन होने जा रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर मंथन किया जाए। हमारे सहयोगी रोहित शिकोला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी इस पूरे महाआयोजन को लेकर लेंगे। रोहित, क्या कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर रणनीति अब आगे किसान तय करने वाले हैं? मैं बताना चाहूंगा, हर साल हरिद्वार में किसान कुंभ लगता है, इसको किसान की इंटेंसिवल भी कहते हैं। इसमें देश भर के कई स्टेट के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वो लोग आते हैं और देश भर में जो भी किसानों की समस्या है, जो जो मुद्दे हैं उसको खुद चिंतन होती है और जिसमें देश के कई कई राज्यों के कार्यकर्ता हमारे साथ हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और पहुंचना शुरू हो गया। दोपहर तक राकेश टिकैत भी हरिद्वार में पहुंच जाएंगे और चिंतन शिविर पर चर्चा शुरू हो जाएगी। मेरे साथ इस समय ये शास्त्री जी, उसके प्रभारी, उनसे पूछते क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। शास्त्री जी धन्यवाद। ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है किसान महाकुंभ 16, 17, 18 जून। ये सन 87 से लगातार जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने ये शुरू किया था और ये एक साल में हमारे दो राष्ट्रीय अधिवेशन हो, 16, 17, 18 जनवरी का इलाहाबाद हो और 16, 17, 18 जून का हरिद्वार हो, तो यहाँ पूरी संगठन की समीक्षा होती है, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ होगी और टिकैत साहब के नेतृत्व में यहाँ पूरी समीक्षा होगी कि किन किन मुद्दों पर हमें संघर्ष करना, आंदोलन करना और आगे के आंदोलन की 6 महीने की रूपरेखा तैयार करी जाएगी और यहाँ से एक प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार को जा रहा कि जो वादे MSP की बात हुई, MSP सरकार ने पूरी नहीं करी, जिस तरीके से हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और जो 13 महीने हमने दिल्ली के अंदर आंदोलन कराया, वहां जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्ज माफी की बात करी थी वो कर्ज नहीं माफ किए, तो ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार को यहाँ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा ज्ञापन जाएंगे और उन मुद्दों पर यहाँ मुद्दे तय होंगे, उन मुद्दों पर हम 6 महीने तक लगातार संघर्ष करेंगे। तो आज पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, आज टिकैत साहब भी पहुंचने वाले, वो यहाँ इसका शिविर का उद्घाटन करेंगे और 18 तारीख में इसका समापन होगा। पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं, किसान आते हैं और सभी लोगों के यहाँ लंगर भंडारे की व्यवस्था रहती है, हर जिलों से सभी लोग रल मिलकर किसान महाकुंभ को अच्छी तरीके से संपन्न करें और रोड़ी बेलवाड़ा में 18 तारीख को महापंचायत होगी, तो यहाँ प्रस्ताव पास होंगे, उस महापंचायत में प्रस्ताव एजेंडे जो भी पास होंगे वहाँ सुनाए जाएंगे। बिल्कुल रोहित, हमने सुना किस तरीके से उन्होंने पूरे कार्यक्रम को समझाया, भव्य आयोजन ये होने वाला है, किसानों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के।
और चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। 18 जून को देहरादून में बुलाई गई महापंचायत को मुस्लिम संगठनों ने रद्द कर दिया है। मुस्लिम संगठनों ने यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद लिया। मुलाकात के दौरान मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश में चल रहे माहौल को लेकर बातचीत की और अपनी बात सीएम के सामने रखी। पुलिस और जिला प्रशासन के लिए देहरादून में मुस्लिम संगठनों की इस महापंचायत के ऐलान को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। आपको बताएं, संगठन की ओर से महापंचायत को स्थगित करने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। इस सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री सबसे मुलाकात की और खास तौर पर जो है हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं, इसको मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री को अपने कुछ मसाइल अकलियत और मुसलमानों के सिलसिले में उनके सामने रखे हैं और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद जताई है कि हम लोगों के वहाँ मुसलमानों के तहफ़ को फराम करने के लिए यकीनी बनाएंगे और उनको दोबारा बाजाबाद कार्य के लिए पूरी कोशिश करेंगे। महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। सीएम साहब से मुस्लिम समुदाय के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग हुई। सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। सीएम साहब के सामने उन्होंने रखी बात को और सभी अधिकारियों ने, सभी सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से इनकी बात को सुना, कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। एक अच्छा संदेश पूरे जनमानस में, पूरे उत्तराखंड में जाएगा जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो और ये बहुत जरूरी भी था। और वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर संतों की प्रतिक्रिया सामने आई। हरिद्वार के संतों का कहना है कि देवभूमि में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। पूर्व काल में जो मुख्यमंत्री रहे उनको भी चेताया गया था कि पहाड़ में जो पलायन हो रहा है और ये जो धर्मांतरण का मुद्दा बढ़ रहा है, आज वो स्थिति लव जिहाद पर आ गई है। नाबालिग कन्याओं को जिस प्रकार से वो लोग उठा करके ले जाते हैं और उसके बाद ये जो घटनाएं पुरोला में हुई हैं, इसका जनता के द्वारा विरोध किया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ रही है तो राज्य सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में जिस प्रकार की स्थिति है, यहाँ धर्म जो दोनों धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ स्थिति कभी नहीं आई है। पहाड़ में ही क्यों हो रहा है? देखिए, इस पर कोई भी हल किसी प्रकार से नहीं निकलेगा जब तक इस पर सख्त कानून नहीं बनेगा। बार बार हम ये आग्रह करते हैं कि आप देश के अंदर अशांति को शांति की ओर जब ले जाएंगे तो एक अच्छे कानून की आवश्यकता है। हम बार बार ये कहते हैं कि एक सख्त कानून की आवश्यकता है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान और सभी में प्रेम और सद्भावना की वातावरण बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।